चलो अब ठीक है। आप पूछ रहे सिक्का और अभिलेख, शुद्ध सोने के सिक्के कौन ने चालू करवाए? कुषाण द्वारा। और सोने के सिक्के? यूनानी द्वारा। अशुद्ध सोने के सिक्के? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त। कौड़ी के सिक्के? गुप्त काल। मयूर शैली के सिक्के? समुद्रगुप्त द्वारा। संगीतकार को तो संगीतकार समुद्रगुप्त। कौन सा सिक्के चालू करवाए? मयूर शैली। मयूर शैली के सिक्के चालू करवाए। ठीक था। अब बताओ तुम एहोर अभिलेख कहाँ मिलो? राजस्थान। एहोर अभिलेख में क्या चीज लिखी है? हर्षवर्धन को हरा दो। और हाथी गुफा अभिलेख में? अशोक से नंद राज। लिखो कौन ने? हार्वेल नाम के राजा। लिखो तो उड़ीसा। और उड़ीसा राज्य में स्थित था हाथी गोपा अभिलेख। अच्छा जी बताओ कि जो अभिलेख लिखे गए थे अगर बड़े बड़े पत्थर पे लिखे जाते तो बिना क्या बोलेंगे? अभिलेख। छोटे छोटे पत्थर पे लिखे जाते तो क्या बोलेंगे? ऐसी भितिया पे लिखता हो जाए तो क्या होगा जी? भित्तीय लेख। और अगर पिलर पे लिखता हो जाए? स्तंभ लेख। पिलर पे लिखता तो लिख लियो या ना लिख लियो पर जी पता रख लियो जैसे कि तुम आगे पहुंच गए कि उन्हें की हिस्ट्री अपनी याद आएगी। ठीक है लास्ट हिस्ट्री में पहुंच गए फिर क्या उन्हें क्वेश्चन में पूछता हो कि बीतिया पर लिखे हुए लेख को क्या कहता है फिर भूले गए तो फिर जी टेंशन रहते हैं मतलब कि डीमोटिवेशन ले जाता कि उन्हें की हमने इतनी हिस्ट्री याद कर ली और पीछे तो हिस्ट्री हम भूलते जा रहे जैसे 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 कि हमने आर्टिकल तुम्हें पॉलिटी में कराया कि नहीं कराया ऐसे ही पीछे जैसे ही अपन जी प्राचीन काल कंप्लीट करेंगे तो अपन हिस्ट्री को पूरा रिवीजन फिर दोबारा करेंगे कल से स्टार्ट हुई और कल तक कराई एक दिन केवल रिवीजन ही रिवीजन करेंगे। देखो हिस्ट्री में आगे बढ़ो या ना बढ़ो पर जो पीछे की चीजें है वो भूलनी चाहिए। कहते अगर आगे ही बढ़ते जाएंगे और पीछे की जैसे कि देखी तुमने देखो वो जहाज उड़ते हुए आकाश में देखो और जहाज अपने पीछे धुआं फेंकते जाते लाइन से निकल चली जाते भाई अपन रॉकेट बोलते हैं कि रॉकेट जा रहा हो जा रहा है लेकिन वो रॉकेट नहीं जहाज ही होते वो अपना फ्यूल को धुआं पीछे का ही फेंकता हुआ जाते तो अब का सिस्टम रहते हुए कि वो रेख का जहाज के पीछे पीछे तो बंद जाएगी लेकिन बाद से थोड़ी दूरी पे जाकर अपने यहाँ मटते चली जाए जहाँ तक ना जाते तो अपने ऐसा सिस्टम ना करना कि अपनी रेख का अपन आगे का ही बढ़ते जाए पीछे हिस्ट्री पूरी मटते भाई का मतलब फिर हिस्ट्री को मतलब कौन सा सब्जेक्ट हो यानी अपना आगे आगे चल रहा है पीछे साफ होते जा रहे आगे आगे चलते जा रहे पीछे साफ होते जा रहे तो फिर ऐसे हिस्ट्री को पढ़कर क्या करेंगे तो बात अच्छी तो हिस्ट्री मत पढ़ो अपना नहीं मस्त खेलो खेलो कूदो ऐश करो जो इच्छा होते करो अपनी मेंटो जिंदगी जी मेंटो जिंदगी जाते क्या होते क्या होते मेंटोस खाली बात हो रही मेंटोस चलो तो आज हम तुम्हें क्या बता रहे आज हम तुम्हें लेखक बताने विदेशी यात्री जो भारत में आए के जिनने पुस्तकें लिखी है कुछ भारत की यात्रा पे आए कुछ विदेश में रह के जिनने पुस्तकें लिखी है तो सबसे पहले तुम जी बताओ कि हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री के जनक कहते हैं और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो अब तुम जी नहीं कहेंगे कि भारत की हिस्ट्री हेरोडोटस ने लिखी समझ में आई कि भारत की स्थिति भारत की हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास हेरोडोटस ने लिखा है बल्कि नहीं भारत का इतिहास हेरोडोटस ने ना लिखा इतिहास इतिहास में जब इन्हें लिखो तो अपने अतीत के बारे में लिखो तो अतीत के बारे में लिखी हुई चीजों को अपन क्या बोलता है हिस्ट्री। और अगर भविष्य में लिखी जाएगी तो वो तो हिस्ट्री में नहीं आवेगी कि भविष्य में क्या आ रहा है ये चीजें तो पहले हिस्ट्री में आवेंगी नहीं यानी कि कल का हो जैसे कल है सकते हुए कि कल तुम ये कि युद्ध के बारे में सुनो है सकते हुए 90% चांस हो कि युद्ध के बारे में सुनो कौन कौन से देश इजराइल और ईरान के ऊपर जाके ऊपर तुम्हें कल तक हमारे द्वारा बना हुआ एक वीडियो आवेगा यूट्यूब पे वह वीडियो सुनियो बाबा हमने पूरी जानकारी दी है इजराइल और ईरान के ऊपर ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम बना के डालते रहेंगे बाबा तुम्हारा वर्ल्ड मैप कम्प्लीट है
वर्ल्ड मैप के जो देश है 195 या 200 छोटे छोटे देश है, वे देश के नाम याद रह जाएंगे मैप पे, जैसे हमें याद है ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, मिस्र, इटली। अब 195 200 देश का आपन सुना यार, सुना दे कल बैठ जाओ तो एक घंटा देश सुनते रह जाएंगे। अब तुम्हारे भारत के पड़ोसी देश हुए ना कि बताओ, भारत के पड़ोसी देश के नाम बताओ जिनकी सीमा भारत से लगती हो। पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। अब ना लगत जब पीओ के तो तब 108 किलोमीटर, हम बताओ था जब पीओ की अभी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान को कब्जा है, वहां में 108 किलोमीटर कोई एरिया भारत से टकरावती, लेकिन वो अब भारत में है नहीं, कहां है पाकिस्तान में। तो फिर क्या मतलब है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से टकराव, फिर क्या मतलब म्यांमार पाकिस्तान, फिर नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, और वही अपन चीन, चीन, और बस बस बांग्लादेश कहाँ जाए हो। सबसे ज्यादा सीमा जिस देश से साझा होती है भारत की, बांग्लादेश नंबर एक पे आप आई समझ में, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा भारत से साझा होती है, आई गई। तो अब तुम्हें पड़ोसी देश के नाम याद आते हैं, चलो अपने पड़ोसी देश के नाम तुम्हें याद आता मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जी बताओ कि ईरान का पड़ोसी देश कौन सा है। देखो ईरान, ईरान का पड़ोसी देश है इराक, फिर ईरान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और ईरान का पड़ोसी देश को है अफगानिस्तान, भी ईरान से सीमा साझा करता है। तो जो ऐसे ऐसे मैप में नाम है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस को तुम्हें क्या क्या नाम याद है, अमेरिका, कनाडा, रूस, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तीन नाम याद हो कि ऑस्ट्रेलिया टीम है क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया को नाम याद आई समझ। और जितने को टीम है वे सदस्य के नाम याद होंगे, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, जिस सगले देश के नाम तो याद होंगे जितने की टीम है क्रिकेट की। लेकिन बाकी बात है मेक्सिको, ब्राजील, इटली याद है, राहुल गांधी को मामा है, मामा खरीदी, फ्रांस एक बड़ा देश है जो अपने राफेल जो फाइटर जेट है वे अपने कहां से खरीदे, फ्रांस, फ्रांस से खरीदे राफेल फाइटर जेट, आधुनिक तकनीक का सबसे अग्रम फाइटर जेट है आधुनिक। हालांकि F-16 जो कि पाकिस्तान के पास कौन सा फाइटर जेट है, F-16 बहुत अच्छा तकनीक वाला, F-16 और राफेल दोनों बराबर है, लेकिन पाकिस्तान को जो F-16 फाइटर जेट है वो अमेरिका ने दावा पाकिस्तान, और अपने पास राफेल है वो कौन ने दावा, फ्रांस, फ्रांस ने दावा, आई समझ में। अब पाकिस्तान, अब अमेरिका क्या कह रहा है कि तुम जैसे F-16 को ने दे दो बिना पाकिस्तान, अब तुम जो, अब जो कह रहा भारत से कि तुम F-18 ले लो, ताकि वो F-35 को ने बेच दे पाकिस्तान। तो अमेरिका को जय उद्देश्य रहे हो कि भारत और पाकिस्तान कैसे ना कैसे करके लड़ा, अगर ये दो देश लड़ेंगे तो हमारे पास हथियार लेने का लिया, और जो देश हथियार लेंगे तो हमारे पास इकोनॉमी आ गई, तो हम दुनिया में सबसे पावरफुल बने रहेंगे। अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल होता काय की वजह से, देखो दो नियम है पावरफुल है अमेरिका के, या तो तुम खुद इतनी मेहनत कर ले और ऊंचाई पे पहुंच जाओ, या जो तुम्हारे कंपटीशन में ऊंचाई बराबरी कर रहा हो बाकी लात पकड़ के खेते थे। तो अमेरिका ने जितनी मेहनत करके कंपटीशन करके ऊंचाई पे पहुंचा है बस बहुत है, अब वो मेहनत करके ऊंचाई पे नहीं पहुंच पा रहा। अब जो बाकी और पड़ोसी देश हैं जैसे कि चीन, चीन अमेरिका से कंपटीशन कर रहा है क्योंकि अमेरिका की बराबर जीडीपी है, तो अब अमेरिका अपनी मेहनत करके ऊंचाई पर नहीं जाता रहा, अब वो कहा सोच रहा होगा कि चीन की लात पकड़ के नीचे खड़े खेचता हो। हालांकि भारत तो बहुत दूर है तभी वो भारत के संग है, जैसे ही आगे चल के भारत अमेरिका की टक्कर लेवे का जावे को सोई अमेरिका भारत के खिलाफ रह जाओ कहते हैं जाओ, फिर जी आमू सामू टकरा जाए कि तुम सुपर पावर की हम सुपर पावर, जैसे यहाँ चीन और अमेरिका टकरा जाएगा तुम सुपर पावर है कि हम सुपर पावर। तो अब वो क्या सोच रहा हो अमेरिका कि चीन है कैसे ना कैसे करके दबा दे जाए, और दबा दे का जो एक ही विकल्प है वो भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन से टक्कर ले सकते, चीन से टक्कर ले सकते, और एक उनके पास इतनी सेना है ही नहीं जो चीन से टक्कर ले,
ठीक है 1962 में जब अपने गो तो अपसाई चीन, तब अमेरिका ने अपना सहयोग नहीं दो, तब अपने पास हथियार अच्छे नहीं होते, गरीबी इतनी थी, भूखमरी इतनी थी, जनसंख्या और रखी गई और अपना देश आजादी तत्काल में बहुत। तो अब तुम जैसे ही जैसे कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती वेंटिलेटर पे धने सुनना पड़ गया वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे थे आईसीयू में से तुम्हें उतारे के जनरल डिब्बा में बैठा होते, जनरल डिब्बा में पाते थे, जैसे 13 जनरल डिब्बा होते हैं फर्स्ट एसी थर्ड एसी सेकंड एसी, ऐसे ही हॉस्पिटल में जनरल बुरा होते कि जनरल में परे तो सही हो, आईसीयू में परे तो मरीज ज्यादा घबरा, मतलब मरीज के मरने के चांस ज्यादा है, तब वो आईसीयू में पड़ जाते हैं, ज्यादा खतरा रहते हैं तब आईसीयू में पहुंचा जाते हैं, और जनरल वार्ड में सिंपल आराम से बैठे होते। तो भारत जब आईसीयू में तो निकल के आओ जनरल वार्ड में, सुई चीन ने हमला कर दो, अब तुम आईसीयू में लेटे वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे उतार के तुम्हें जनरल वार्ड में लेके आए, वो दो लड़का आए तुम्हें दे दे दे, तुम्हें वैसे ही चक्का आ रहा ठाड़े होते, स्थिति ऐसी थी, अब वो चीन में, अब भारत के नक्शा में, हालांकि भारत के नक्शा में दिखाई दे वो से चीन अपन, लेकिन वो कंट्रोल करने के में चीन चीन में, आज पेंगोंग झील भारत में नहीं, हम बता दें क्या पॉइंट रहा था, हम पॉइंट के साउथ चल रहे, तो आज वो झील है वो चीन कब्जा है। तो अपने देश की मीडिया सबसे बड़ी बेक करती है, अपने देश की मीडिया में अगर क्वेश्चन करा जाए कि पाकिस्तान में अपना हमला करेंगे हाउ करेंगे, जो कही जाए कि चीन पे हमला करेंगे सोई मोए मोए जाते हुए चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने देश की नेता से बोली जाए पाकिस्तान हमला करेंगे जरूर करेंगे, अपने देश के नेता ने बोली चीन पे कब करेंगे अपन 10% टैक्स चीन छुड़ावाने कब छुड़ावेंगे, बस सोई बैठ के मोए मोए जाएगी, वे चीन के खिलाफ भाषण देंगे, क्योंकि चीन की तुलना भारत से करवो है ही ना, जैसे आईपीएल की तुलना पीएसएल से करवो बेकार, वैसे भारत की तुलना चीन से करवो बेकार, अब भारत की तुलना तो अमेरिका से करो, अमेरिका से, अमेरिका के पता है, अब तुम्हें अमेरिका के बारे में क्या बता रहा, तुम अमेरिका पे तुम भगवान मान लिया, अमेरिका के बारे में एक्सप्लेन कर दी, अमेरिका जब चाहे जब आपकी इच्छा हो तब जाकर किसी भी देश के ऊपर बम छोड़ सकते हो, जाकर मान लो बस 4 से 5 देश छोड़े थे, भारत रूस दो देश दे गए, तीसरा चाइना, बस जाके जो 3 देश के बाद बाकी जितने दुनिया में देश है सिर्फ अमेरिका जो खड़ो और चीन जो खड़े, हालांकि जो खड़े ऐसी बात नहीं है, पर जे ऐसे है कि जवाब दे सकते, लेकिन जैसे कि आज भारत इकोनॉमी में इतने आगे चल रहा है, यूट्यूब कौन को है अमेरिका, गूगल कौन को है अमेरिका, हर गूगल में एक एप्लीकेशन बंद कर दे गूगल की साइड के लिए, हम भारत है अपनी साइड नहीं देंगे, भारतीय सब इंटेलिजेंस सब खत्म, मोबाइल बंद, जीमेल कौन की अमेरिका बंद मोबाइल, फिर तुम वहीं पे आ जाए, तुमने देखी हुए एक एसटीडी चलती है एसटीडी, वो केबल बिछ के आवती है अपने अपने गांव में अपने अपने घर में, केबल बिछ के आवती कारे कलर की, भाई केबल के जरिए बात हो रही बात, मैंने सन 1900 में पहुंच जाएंगे आगे अपने, अगर अमेरिका ने अपने गूगल से बंद कर दी जीमेल बंद कर दी भाई, जरा आप सन 1900 पहुंच जाएंगे भारतीय युद्ध डाउन है, समझे अमेरिका कितना आगे पहुंच चुका, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा तो अमेरिका कहा करे हमारा यूट्यूब से वीडियो, ठीक इतनी पावर,
अगर हमने नेकू में क्या बारे में कुछ दो पॉइंट बोल रहे ना तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाते मैसेज कि तुम ऐसा नहीं बोला मुझे अब सीधी बात है प्लेट पारा में अब बिनट की प्लेट पारा में खड़े अपन बोलेंगे यानी कि बिनट की चीजें अपन खाए के बिनट को नमक खा रहे हैं बिनट के नमक से अपन जिंदा फिर बिनट के नमक की अपन बुराई कर रहे कैसे चलेगी हाल स्ट्राइक आ जाते यूट्यूब के कि आपने जो बात बोली ऐसे नहीं बोलनी चाहिए चेतावनी अगर तुम बिनट बोलेंगे तो चैनल डिलीट करते हो जाओगे तुम्हारा सब्सक्राइब खत्म पढ़ाई नहीं पाने कितना मारूंगा मेरे को जो चीजें भारतीय जनता सोचते थे और जो चीजें भारतीय के नेतृत्व में सोचते थे कैसे करो जाए कि गूगल से दूनी बनाई जाए गूगल जैसे एक प्लेटफॉर्म भारत में खड़ा करो जाए भारत में भारत को अलग से एक यूट्यूब स्वयं भारत को अलग एक जीमेल बनाई जाए भारत की जो मैंने कहा वो डर ही खत्म वो खुद खुल के बोलना चाहे अमेरिका का ले आ रहा हूँ चाहे कौ देश का ले आ रहा हूँ डर ही खत्म है ऐसी चीज भारत का जरूरी है ये आत्मनिर्भर चीज है आज को जमानो सोशल मीडिया की बगैर है ही ना और सोशल मीडिया पूरी कंट्रोल करते हो अमेरिका इंस्टाग्राम अमेरिका ट्विटर अमेरिका टिकटॉक चीन को तो बैन कराया था बैन है भारत में टिकटॉक जितनी भी सोशल मीडिया की साइट है फेसबुक अमेरिका व्हाट्सएप अमेरिका जितनी भी सोशल मीडिया की साइट है सब अमेरिका अब अगर तुम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो वो बैन करवाओ कि नहीं करवाओ तुम्हारा जब वीडियो फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड होते हो तो वहां वीडियो देखो जाते हो अगर वीडियो सच है तो क्लियरेंस दे देंगे तुम्हारे की हाँ सच है अगर तुमने वही वीडियो को दूसरे कॉपी करवाओ ना तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी कॉपी राइट वीडियो डिलीट करो नहीं तुम्हारा यूट्यूब डिलीट है जाओ बहुत ज्यादा चीजें देखने पड़ते हैं हर मामले में तो ये भारत है सोचा चलते अब तक अपन क्या सोचा ना कि एक मिसाल बना ली तो अपन ने भी बना लो बहुत बड़ा तो एक ब्रह्मोस मिसाल बना पाँच जगह केवल अपन ने अब तक तो अपने कुछ तोप ना बना ब्रह्मोस मिसाल को तोप हो अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसी मिसाल है कि अमेरिका अपने यहाँ से मिसाल छोड़ेगा भारत तक पहुंच जाएगी बल्कि भारत के पास ऐसी मिसाल है जो भारत अपने यहाँ से छोड़ेगा अमेरिका तक पहुंच जाएगा अपने का अमेरिका ही टक्कर लेगी रूस के पास ऐसी मिसाल है कि वो अमेरिका तक टक्कर ले सकते जाएगी सॉरी चाइना के पास और रूस के पास चाइना के पास ऐसी ऐसी मिसाल है कि वो जाएंगे चीन तक टक्कर वो अमेरिका तक टक्कर ले तो अमेरिका आंख में आग डाल के बोलते हुए कि अब तुम्हारा पावर खत्म क्योंकि पैसा के मामले में अब निकले तुम्हारी जो सेना है हमारी सेना तुमसे ज्यादा बस इतना अंतर हो कि अमेरिका की सेना ने युद्ध बहुत लड़े और चीन की सेना ने अब तक युद्ध ना ही लड़े युद्ध ना ही लड़े अब जैसे कि एक डॉक्टर हुए बूढ़ा बूढ़ा डॉक्टर हुए ठीक है एक नव डॉक्टर हुए जो कि हाल ही में नव बनो अब जो बूढ़ा डॉक्टर हुए वो पढ़ लिख के नहीं बनो बने पर बूढ़ा है वो बन अब तक कम से कम 1000 लोगों ने ऑपरेशन कर दिन में चच्चर ऑपरेशन करते हो और 1000 लोग सिगरेट सक्सेसफुल कर ले अब तक हेल ना हो एक ऑपरेशन अब तुम ऑपरेशन करावे का जाएंगे तो नए वाले डॉक्टर पे जाएंगे पुराने वाले तो अमेरिका की सेना ने इतने युद्ध लड़े इतने युद्ध लड़े कि जो मानिए दुनिया में टॉप की सेना अमेरिकी की सेना है दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप की सेना अमेरिकी की सेना है और सर अब तो अमेरिका रोबोट लड़ा है अमेरिका तो बहुत आगे पहुंच गया अमेरिका जो मान लो जिन हथियारों को अमेरिका यूज करना बंद कर दिए थे वे हथियार भारत और पाकिस्तान छोटे मोटे देश खरीद लेता जो हथियार बंद कर देते कि जो हथियार हमारी सेना नहीं चला पे ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका ने सिर्फ अपनी सेना का ही रखेगा कि जी हम विदेश में बेचेंगे ही नहीं और जब हम नए हथियार बना लेंगे तब हम जो हथियार विदेश में बेचेंगे समझे मतलब बिनकी उत्तरी उत्तराई चीज और देश में बेचे जाते हैं पैसा जाए अपना उत्तर में बोलता देखो अपन काम चल रहा है हिस्ट्री इतिहास के जनक किसे कहते हैं जिनने इतिहास लिखा इतिहास ना कि भारत का इतिहास अगर क्वेश्चन में भारतीय इतिहास कौन ने लिखा है तो जी मत पूछिए जी मत सर हेरोडोटस कंके को हेरोडोटस जिनने भारत के इतिहास के बारे में जानते ही ना तो काम कैसे बता सकते हो जिनने लिखा है तो देखो पहला क्वेश्चन हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था स्टोरेज नहीं हिस्टोरिका दूसरे क्वेश्चन मेगा अस्थनी दूसरे को लेखक का नाम तो मेगा अस्थनी ये व्यक्ति के बारे में हमने तो बहुत देर इंडिका लेकिन चंद्रगुप्त में भी आते हैं चंद्रगुप्त के इंडिका यानी कि पुस्तक को नाम सुना दे मेगा अस्थनी
कौन के दरबार में आए? चंद्रगुप्त के। किसके साथ आए? सेल्यूकस सिकंदर। तो व्यास नदी पार ही नहीं कर पाओ। कौन संग आया था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? वो कार्नेलिया। कार्नेलिया या हेलेना बोल देता है। हेलेना। कार्नेलिया और हेलेना दो याद रखना। बहुत सी ऐतिहासिक किताबों में हेलेना लिखी हुआ है और बहुत सी ऐतिहासिक किताबों में कार्नेलिया लिखा। चंद्रगुप्त को मौर्य को नाम यूरोप में सेंड्रोकोटस के नाम सेंड्रोकोटस। भारत में चंद्रगुप्त जिनसे कही जाते हैं सेंड्रोकोटस। जैसे कि यूरोप में सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस। यूरोप के इतिहास में लिखी थी कि सेंड्रोकोटस से सेल्यूकस निकेटर लड़ा और सेल्यूकस निकेटर हार गया, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह सेंड्रोकोटस से कर दिया। अब जी बता मैं आपको, मंके इतिहासकार पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है व्यक्ति, बिना भारत को इतिहास ना पता हो तो बे तो अपने सेंड्रोकोटस में ही मगन होते हैं। और जो भारत के पढ़ रहा है बिना यूरोप की हिस्ट्री ना पता तो अपना ये चंद्रगुप्त मौर्य में ही मगन होते हैं। तो अब एक ऐसा व्यक्ति निकल के आवे है कि जो कि भारत के इतिहास को जाने और यूरोप को इतिहास जाने। तो भाई व्यक्ति तो कह रहे हो कि भारत में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध भाव है चंद्रगुप्त मौर्य को, भारत में भाव है, और यूरोप के इतिहास में लगी है कि सेंड्रोकोटस से सेल्यूकस निकेटर को युद्ध हो। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूरोप में क्या था? सेंड्रोकोटस। तो वह व्यक्ति दोनों इतिहास पता होगा तभी बता पाओगे। अब एक इतिहास पता होगा तो कैसे बता दे? आइए समझ। तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के समाजों को सात भागों में बांटा। क्या भाग में बांटो? सात भाग में बांटा। सात जात। आएगी समझ में? अपन बोलते हैं सात जातों को, जैसे कि अपने मोता होते हैं तो एक होते हैं झरा, एक होते हैं सातों गांव, नहीं का सातों जात बोलते हैं। सातों जात बोलते हैं, यानी सातों जातों में इलब्बा बोल देता हूँ, झुराबंद बोल देता हूँ। अपन झरा में दो चीजें होते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण को नौता हो, झरा नौता हो तो हम ठाकुर और ब्राह्मण को झरा नौता है, बाकी अलावा जो निचली कास्ट में आते हैं स्पेशल जात में कह देखा लेकिन तुम्हारा एक जने को तुम्हारा एक जने को समझ। और जो सातों जातों यहाँ होते हैं बाप का मतलब कम्प्लीटली जन, मैं निचली कास्ट से लेकर अपर कास्ट तक सबरी एक दमाव। आई समझ में? तो जो सात समाज बांटे थे कौन ने बांटे? कौन सी पुस्तक में बांटे? इंडिका। एक पुस्तक का नाम है सर ये लिखे हैं, लिख रहे ना? नहीं मत लिखना सर, अरे लिखो तो लिख लीजिए, ना लिखो तो मत लिखो। हम जो चीज है फिर दोबारा तुम्हें एक्सप्लेन कर, जैसे कि मेगास्थनीज हम तो फिर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तभी लिखेंगे टाइम। मां तुम बाकायदा लिखियो नोट करेंगे और अब तरफ तुम पुस्तक और के नाम याद कर लो तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तुम्हें आसानी होगी पढ़ने में। जो चीज हमने पढ़ी है और ऐसे ऐसे पढ़ी है, आई समझ में? सही बैठो ऐसे ऐसे पढ़ी। देखो तीसरी पुस्तक का नाम हो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। देखो जी किताब ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो इतनी अच्छी किताब है और किताब लिखने के बाद जो लेखक ने लिखी है वो लेखक अपना नाम ही ना देखो, यानी कि जो लेखक को पता ही ना अज्ञात। अब जिस सी यानी कि समुद्र, आओ अब देखो जिस समुद्र में का सिस्टम करोगे समझो, जब किताब में का चीज को वर्णन करोगे जी समझो, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जी का आया अपनो समुद्र भारत, भारत है, और जी अपनों का है समुद्र पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाओ म्यांमार भूटान नेपाल जाए म्यांमार नेपाल यार ईरान ईरान जी ईरान है इराक इराक नहीं और ईरान के नीचे एक खाड़ी को नाम है फारस की खाड़ी। ये फारस सब लोग सभ्यता वाली सब सुनो तुम चार का नाम है फारस की खाड़ी, खाड़ी। और यहाँ एक समुद्र है समुद्र का नाम है अरब सागर।
अरब सागर और यहाँ अपना सऊदी अरेबिया आ जाते बड़ा हुआ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से जस्ट चपकमा यो करके लाल सागर निकलते हुए लाल सागर लाल सागर पर यहाँ एक स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज। यहाँ मिस्र देश है और स्वेज नहर जाके भूमध्य सागर से जाके जुड़ जाते हैं। भूमध्य सागर से जाके भूमध्य सागर। अब क्वेश्चन आ सकते हुए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज। स्वेज नहर। लाल सागर क्या? लाल सागर नाम है समुद्र को पानी लाल ना फिर बाप आई समझ। अब फारसी गाड़ी से फारसी गाड़ी का तो ईरान को पहले नाम फारस होता लेकिन हिस्ट्री चेंज आ जाता है ज्योग्राफी चेंज नहीं होती। जैसे कि भारत में जी हिस्सा में जब पूरे को नाम बंगाल होता मैं बांग्लादेश शायद पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश जब पहले एक ही है अब एक ही है तो नीचे खाड़ी कहाँ आएगी? बंगाल की खाड़ी है कि नहीं है बंगाल की खाड़ी। लेकिन अब बंगाल को नाम चेंज है कहाँ आएगा? बांग्लादेश है और बा को नाम चेंज है कहाँ आएगा? पश्चिम बंगाल है। क्योंकि पहले जब विभाजन हो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन करो बंग भंग आंदोलन चलाओ तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया था और बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। अब बंगाल को जो जी भागों में जी बनेगा का पूर्वी बंगाल पूर्वी बंगाल क्या बनेगा? पूर्वी बंगाल और जी बनेगा तुम्हारो पश्चिमी बंगाल। ठीक। अब जी जब जी दो बने गए तो अब जाके देखो बंगाल को विभाजन तीन बेर हुआ जी सर तुम समझ जाओ तो फिर एक सर तो तुम्हें याद है कि सन 1905 में बहुत 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करो कौन से साल करो ये पश्चिम बंगाल है पूर्वी बंगाल। अब एक चीज बताओ सन 1905 में जाके विभाजन हुए के बाद अब जाके विभाजन हुआ सन 1947 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान बने तो भारत और पाकिस्तान बने तो जी तो पाकिस्तान है वो और जी जो पश्चिम बंगाल हो जी तब भी पश्चिम बंगाल है तू और आज भी पश्चिम बंगाल। लेकिन जो पूर्वी बंगाल हो जी पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम बहुमूल्य के कारण बहुत कि जब पूर्वी बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान होते और जब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू तो मुसलमान ही धर्म पे बहुत और अब पाकिस्तान और भारत का विभाजन क्या के धर्म पे बहुत हिंदू और मुसलमान ही धर्म। तो अब जनती जो मुसलमान है ते पाकिस्तान में बने गए अब जो जो मुसलमान है ते कह रहे कि मैं पाकिस्तान में बना। अब पाकिस्तान में दो जगह जाको नाम है वो पश्चिमी पाकिस्तान जाको नाम है वो पूर्वी पाकिस्तान। अब सन 1947 में आके नाम जाको चेंज है वो कहा है वो पूर्वी बंगाल से कहा है वो पूर्वी पाकिस्तान जी है वो तेरा पश्चिम पाकिस्तान। अब 1971 में जब जिन लोगों ने नहीं मानी तो फिर नाम चेंज है के पूर्वी पाकिस्तान को नाम चेंज है का है वो बांग्लादेश यानी कि बंगाल में तीन बार विभाजन हुआ तीन बार नाम चेंज हुआ बंगाल का आएगी समझ ना कैसे कैसे। अब बताओ तुम कि भारत से निकल के गाओ जी मोड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान को मोड़ा जी आ बांग्लादेश यानी कि दादा और पोता को सिस्टम रंज जी देख जैसे कि अपने बाबा वे बाबा अपने लड़का निकल के आए बाबा जी को तो मोड़ा होते और मोड़ा को मोड़ा होता है वो तो भारत को है बाबा बांग्लादेश को है पोता हो जाता तो बांग्लादेश तुम देखिए एक चीज कि बाबा और पापा जो कम बोलेंगे आपस में बहुत ही कम बोलेंगे ऐसे मुद्दा होंगे जहां मैं बोलूंगा वो तो ही बोलेंगे लेकिन बाबा और पोता आपस में खूब बढ़िया आपस में बोलते रहेंगे वे दो जने आपस में खूब बढ़िया बोलते रहेंगे और बाबा से पोता की बनती हुई अच्छी पापा से इतना वो नहीं बोल पावे इतना बाबा से बोल देते हुए और पापा और बाबा नहीं बोलेंगे वे आपस में नहीं बोलेंगे अगर ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम हो तो ही बोलेंगे नहीं वे अपने काम में मस्त हैं जे अपने काम मस्त हो। लेकिन बाबा अब देखो पाकिस्तान से भारत बोलते ना मुझसे ही बोला जाते लेकिन बांग्लादेश में अच्छे रिश्ते तो पोता से अच्छे रिश्ते होते समझे बांग्लादेश को तो अब देखो जी है वो तुम्हारा लाल सागर और जी है वो तुम्हारा भूमध्य सागर। तो अब जामे का सिस्टम करा गया है कि लाल सागर लिखा देता है ना लाल सागर हमने मत कह लिया कि सागर को पानी ही लाल हो या ना कौन कलर ना मिला था क्योंकि सीधे समुद्र को पानी मिला हो अगर लाल पानी मिला जाता तो मिल नहीं जाता। अब आधे गिलास में पानी लाल हो आधे गिलास में पानी पी रहा हो तो ऐसे हो सके तो गिलास में आधा लाल आधा पी रहा हो पूरा पानी मिल जाए लेकिन समुद्र दो भागों में बटा हुआ है
एक लंको पानी एकदम नीलो है, एक लंको पानी रहे मट भैलो है, तुम देखी समुद्र है लेकिन वे आपस में मिलते ना है। हम बता रहे क्या काटना है, देखो लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी। बाल्टिक देशों में जाके जब हम बंड में पढ़ावेंगे तब बतावेंगे मृत सागर। मृत सागर में क्या सिस्टम होते है, देखो मृत सागर में सिस्टम जी होते है कि वहां नमक की मात्रा ज्यादा है। क्या मात्रा ज्यादा? नमक की मात्रा। जैसे कि पानी लिज्जो, तो पानी लिज्जो, पानी लिज्जो एक बड़ी चीज हम जाएगी और वह पानी में नमक घोल दे, पानी में नमक घोल दे जो कितनों जितना पानी हो उतना ही हम नमक घोल दे और बार बार पानी में उतर जो और जो करके पर रख जो और पानी में छक तुम ऊपर उतर। हाँ मृत सागर में कहा है कि सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा, और नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो बामे आदमी डूबे हुए नहीं ऊपर उतराव करेगा, तो बामे तुम जाके कूदेंगे नीचे जाएंगे पर वो पानी तुम्हें ऊपर फेंक देगा और फिर नीचे नहीं देगा। समुद्र बहुत अच्छी थी भी जगह समुद्र में मां डूबी समुद्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग नमक की मात्रा मानी जाती है। लहर तो सवन में उठते अब तार का पानी है एकदम लहर उठते हुए ज्यादा देगी तार के पानी जो हवा चलते तो ऐसे ही समुद्र में उठते हुए जाते और लहर उठता चंद्रमा के कारण। चंद्रमा अपनी कला बताओ तो वहां लहर उठे। देखो लाल सागर अब जाता है लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों समुद्र है। हैं समुद्र बस नाम अलग अलग है, या तो समुद्र तो जिस समुद्र के व्यापार की चर्चा कि समुद्र के जरिए व्यापार हो तो जिस चर्चा काम में लिखी जाए पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र के व्यापार की चर्चा किस पुस्तक में है तो ऑप्शन डी में लिखी हुई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। मोड़ा सोच रहे हो तो ए नहीं लगा रहे हो, बी नहीं लगा रहे हो तो सी तक हम तो कहते हैं सी लगाई लगाए सी पर तुक्का मार ही देते अंदर का होते आगे चलो तो तय पता नहीं है कि तुक्का लगाए हुए क्यों ये ट्रिक होते हैं बट ट्रिक से ही तुक्का लगा तू अब जीना होता है कि सौ में तो सौ तुक्का बट ट्रिक से लगा नहीं है तुम बार डीडी पे लगा रहे हो जो मोड़ा ए और सी ज्यादा लगा ए और सी। हां अब देखो कौन से मोड़ा ना कौन सी ट्रिक देख ले जब बॉडी जा रहे तुमने 100 को पेपर आओ ठीक 100 नंबर और तुमने पेपर करता हो तुमने 80 क्वेश्चन करता है मानस मार्किंग है ना है तो जब 20 क्वेश्चन कौन का छोड़ेगा ये 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा सही 20 क्वेश्चन में अगर तुक्का लगा देंगे ये वो नहीं तो 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा देंगे 25% के हिसाब से 20 × 100 = 25 यानी कि 5 क्वेश्चन तो सही निकलेंगे और 25% हर हालत में सही निकलेंगे अगर तुम एक ही ऑप्शन पूर्ण में लगाए जाओगे। ये लगा मैंने ए ए ए ए बी लगा मैंने बी 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 सी लगा मैंने तो सी 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 और डी लगा मैंने तो डी डी बी से उन्होंने डी लगाया हो हम गारंटी से बोल रहे हैं नहीं 5 क्वेश्चन तुम्हारे बीच में से कब कर लोगे सही है ना देख पक्का छोड़ देना पक्का छोड़ लोगे फूफा आए बताएंगे तब हम उठा लेंगे छोड़ा नहीं चाहिए आगे समझ में।
तो आप समझ गए फारस की खाड़ी कहाँ है? ईरान। ईरान ईरान को पुराना नाम कहा तो फारस। फारस की सभ्यता कहाँ मिली? ईरान। ईरान नहीं ईरान 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 में थी मेसोपोटामिया। ईरान में बता दो वो अरे कच्चा तेल ज्यादा। ईरान में ना आते देखो ये पूरे देश है। ये दुबई कहाँ है? दुबई दुबई सऊदी अरेबिया के बगल में ईरान से तैयार गई था। मतलब सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की यहाँ यूएई नाम का एक देश है भाई। बामे यूएई की राजधानी राजधानी में से एक शहर दुबई। आई आई समझ में? दुबई एक देश का नाम ना है। जैसे आप क्वेश्चन करो यहाँ की मुंबई घूमने जा रहे हैं तो मुंबई एक देश का नाम है बल्कि देश का नाम कहा है? भारत। भारत की राजधानी कहा है? दिल्ली। दिल्ली और शहर कहा है? मुंबई। अब बस दुबई इतनी फेमस है कि विदेश दुनिया में जितने भी कंपनियां हैं वो कंपनियां के मुख्यालय सिर्फ दुबई में। दुबई अब काय को हम गए ना है लेकिन हमने सुनी है कि दुबई जाके देखो और फिर तुम कहेंगे काय को। जो अपने यहाँ से जो नई गाड़ी आवत ना निकल के जो नई गाड़ी ऐसी गाड़ी में अभियान कर दे जा। अगर गाड़ी के टायर में नेकू मट्टी लगी मिल गई ना तो इतना चालान करो जाओ तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारी गाड़ी 20 लाख की आज कितने की आज 20 लाख की तो 40 लाख रुपये जुर्माना करो जाओ देंगे तुम 40 दो गाड़ी और खरीद लेंगे। अगर टायर में मट्टी लग गई तुम्हारे अपने जहाँ तो मट्टी लेके ही चलता है। अगर ढंग से एक गाड़ी में मट्टी निकाल कच्ची जगह पर पलते है लेकिन शहर में अब शहर में पशु को पाला है मुंबई में पशु को पाला है चले जाओ मुंबई में भाई चल रहा अमूल मुंबई में कमल रंजन। अगर साफ सफाई में देखी जाए इंदौर में चले इंदौर मैं इंदौर देख ले और दुबई से कंपेरिजन कर ले इंदौर से कम 8 से 10 गुना और ज्यादा सफा दे दुबई कंपेरिजन कर ले। इंदौर में जी कंडीशन है दुबई में कहा इंदौर में सवेरे रोड पर पहुंचा लगा तुम्हें अपने जहाँ घर में पहुंचाना लगा तुम्हें या भाई कमरा में 8 दिनों में 1 दिन पहुंचा लगा था ठीक बात 8 दिन में 1 दिन पहुंचा लगा तुझे कमरा में मांग और मैं सड़क पे पर डे पहुंचा लगा तुम्हें सड़क पे पहुंचा लगा तुम जाने इंदौर में क्या सिस्टम है देख नमक सीसा देखो इंदौर का सिस्टम एक जी हाईवे जी हाईवे जहाँ पे गाड़ी नो करके जा रहे हैं एक जी हाईवे जहाँ पे नो करके जा रहे हैं लेकिन बीच में एक हाईवे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस और एम्बुलेंस चलेगी। बस कौन सी चलेगी? ट्रेन वाली टिकट कटेगी अपने बसा दे गेट खोलो जहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस और बस चलेंगी। अगर जे वाली गाड़ी को जहाँ पे आएगी वैसे तो पूरे में जाली लगी गई यहाँ बड़े बड़ी बैरिकेड लगे जा ही ना सकते अगर आए गई तो गाड़ी खत्म दो हाल पुलिस पकड़ लेगी गाड़ी जा में तुम अपनी गाड़ी लेके जा ही ना सकते। सरी कहाँ चलते थे? इंदौर। इंदौर में तेरी टैक्स तो हम बोल रहे हैं कि इंदौर से 8-10 गुना ज्यादा सफाई की दुबई में कदर तो दुबई में ट्रेन उल्टी लटक दुबई वहाँ दुबई में क्या बात ट्रेन उल्टी चलते पहुंचेगा ट्रेन मतलब का चाइना में उल्टी चलते ट्रेन पटरी ऊपर ट्रेन पटरी से लटक के चलते जापान में चलते सर जापान में उन्होंने देखी रोड है सर कुछ एक एक गोल एक चक्कर में कम से कम बहुत ऊंची रोड है बहुत कम से कम गोल गोल बहुत असर हमने देख लिया बहुत असर एडिटिंग कर दी जाते ऐसे हकीकत में ना बहुत बिचीर की एडिटिंग कर दी जाते वही तो कह रहे हैं हकीकत में ना होते जो करके बोला बोला ऊंची वो एडिटिंग करी जाते लेकिन जो हकीकत में जी इंदौर में हकीकत में जाकर देखी जो इंदौर इंदौर की रोड देखी जो करके इंदौर की रोड ज्यादा साफ हुई तुम्हारे शरीर से पुलिस रेंज रोवर चलावते रेंज रोवर गाड़ी टैक्सी भी चलते दुबई टैक्सी जैसे टैक्सी आवते ऑटो रिक्शा ऑटो ना चलते वहाँ रेंज रोवर रोल्स रोल्स चलते हैं।
पुलिस वाले मंकी गाड़ी चलाता रेंजर ओवर अपने संग पुलिस वाले इतने मोटे है चोरा खुद तो बदल के पकड़ ही ना पा रहा खुद तो बदल पकड़ ना गाड़ी से पकड़ नहीं रहे गाड़ी से भी पकड़ ना रहे चलावत दीदी रे ज्यादा स्पीड चलावत तो गाड़ी पकड़ी जाए राजधानी में दिल्ली में अब भाई के सारे राष्ट्रपति ये 5 लाख रुपए मिल रहे तुम क्या सोच रहे दूसरा सैलरी मिलेगी तुम्हें सीधी सी बात जब 5 लाख राष्ट्रपति मिल रहा बिन से जाते हैं सैलरी को जिंदगी में नहीं मिलेगी डाउन मिलते हैं तो क्योंकि राष्ट्रपति देश का सुप्रीम माना जाते हैं सब समझ लेते भारत में इतने बड़े नेता ने छोटी मोटी अब तुम जी सोच लो कि राजीव गांधी सिंपल गाड़ी में चलते है तो नेताओं की गाड़ी एक देखी होगी नेतन जैसी ही होते सेम देखी नेतन गाड़ी सफेद कलर की गाड़ी आते हैं अब जब बुलोरो बुलोरो ले लेंगे नहीं पहले दे गाड़ी चलती बुलोरो तो भारत में आती ही नहीं बे जल्दी है सफेद टैक्सी आती दे गाड़ी पर अब दे गाड़ी खत्म है तिरंगा बिलोरो ब्रिगेडियर तिरंगा फिल्म में चलाओ तो दे गाड़ी आती तो राजीव गांधी बिन गाड़ी में नहीं चलते हैं देश का प्रधानमंत्री अब जब पीएम मोदी आएगा जन सुरक्षा ज्यादा बढ़ेगा समझ अब समझ जब प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री को तीन प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए मर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी जी जानते हो कि जय दुनिया है तो अब हम और तुम कुगा के मड़का निकले ही ना अब तो अगर रोड़ो को झांक जाए रोड़ पे को झांक जाए जैसे को बाहर से को आदमी आवे रोड जाते थे तो इन लगते पुतना कितनी सफाई है ये देखा आज तुमने सफाई देखी है ना अंदर देखो भाई किस चाय के गांव का मड़का है गई में जी लगते हो कि बस जय दुनिया आए और सब खत्म है गांव में से निकल के आवे तब तक वो देखे कि वो तो सिर्फ एक गांव का मड़का है ऐसे कुगा तो दुनिया में गिनती ना करेगी इतने कुगा है और फिर कुगा में इतने मड़का है बिन में से एक तो उठा लटर कर रहे हैं जो जी कह रहा है ना कुगा बस भाई किस्सा है कि अब आदमी ने दुनिया देखी ही ना है घर से ही ना निकलो घर से ना निकलो वो बातें इतनी बड़ी कर रहा हो कि दुनिया बस जय दुनिया मान लग जाए घर से निकलो दुनिया देखो इतनी बड़ी दुनिया में एक भारत देश में और भारत देश में 150 करोड़ जनसंख्या में से एक तुम है तुम्हारी का औकात है खुद ही देख लो तुम्हारी औकात एक चिट्ठी की औकात के समान है चिट्ठी की औकात तो अपने आप में ठीक है क्योंकि वो आगे क्षमता नहीं तुम्हारी क्षमता के हैवे के बावजूद तुम अपनी सीमा नहीं पार कर पा रहे चलो आज का इतना हम आवे कल पढ़ा रहे कल कौन कौन से ले जाकर कल ठीक है।